नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जांजगीर चांपा में 20 मई 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश के 11 राज्यों के 60 जिलों में कोविड-19 प्रबंधन और कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार, भाटापारा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और बिलासपुर जिलों के कलेक्टर जुड़े हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जांजगीर चांपा के कलेक्टर यशवंत कुमार से चर्चा कर जिले में कोविड प्रबंधन की स्थिति की जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुभद्र साहू, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी मौजूद थे। वहीं जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर ने चर्चा के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों के अनुसार जिले में अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहाँ जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, साथ ही सघन टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि जांजगीर चांपा जिले के 31 गाँवों में 90% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में 100% हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इन दोनों ही वर्गों में 85% लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। जल्द ही इन वर्गों के सभी लोगों को वैक्सीन कर लिया जाएगा। जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु के 70% लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। जैसे जैसे वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ेगी, तेजी से वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले में पॉजिटिव रेट 30% भी थी, जो अब घटकर 14% हो गई है। बहुत जल्द यह 10% के नीचे आ जाएगी। वहीं कलेक्टर ने जानकारी दी है कि जिले के स्वास्थ्य अधोसंरचना की स्थिति अच्छी है। जिले के आपातकालों में कुल 1691 सामान्य बेड हैं, जिनमें से 883 रिक्त हैं। इसी तरह जिले में 621 ऑक्सीजन बेड हैं, जिनमें से 303 भरे हैं। आईसीयू में 20 बिस्तरों में से 9 बिस्तर भरे हैं। जिले में कोविड सेंटरों में 150 बेड उपलब्ध हैं। वहीं कोविड सेंटरों में योगा और व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि जिले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के संयोग से ऑक्सीजन की उपलब्धता सरप्लस्त है। जिले में ऑक्सीजन के 350 सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जिले में 550 सिलेंडरों की आपूर्ति हो रही है। जिले में एनजीओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं मंदिर ट्रस्ट समिति की सहायता से 100 जम्बो सिलेंडर और 90 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि कई बार आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट विलंब से प्राप्त होती है। इस कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों को कोरोना प्रोटोकॉल के आधार पर तैयार किए गए दवाइयों के किट वितरित किए जा रही हैं, जिसमें मरीजों का जल्द इलाज प्रारंभ हो जाता है और उसकी स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ती है। कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी है कि कई गाँवों में लोगों ने स्वयं ही बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे संक्रमण न फैले। जिले में आयुष कार्ड के 10,000 पैकेट हाट बाजार में वितरित किए गए हैं। वहीं अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी भी प्रारंभ की गई है। सभी कोविड सेंटरों में मरीजों के मनोरंजन के लिए टीवी आदि की व्यवस्था की गई है। जांजगीर चांपा से अजय यादव की रिपोर्ट। हमने सर जो माइल्ड केसेज वाले कोविड सेंटर्स हैं वहां पर हमने योगा स्टार्ट किया है सर, और सभी कोविड सेंटर्स में हमने टीवी और मनोरंजन के साधनों को। आपके जिले में कुल गांव कितने हैं सर? हमारे जिले में 1400 कुल गांव हैं सर, 600-700 ग्राम पंचायत। कितने गांव होंगे जिसमें एक भी पेशेंट नहीं हुआ? सर ये जानकारी तो अभी नहीं है सर, लेकिन काफी ऐसे गांव हैं सर जहां पे। मुझे लगता है कि एक थोड़ा हिसाब बनाना चाहिए जी। हमारे जिले में इतने गांव हैं, इतने गांव ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना से मुक्त है, बिल्कुल, और वो संख्या कैसे बढ़े सर? जैसे रिकवरी रेट बढ़ता है, जैसे कोरोना मुक्त गांवों की संख्या कैसे बढ़े, ये एक आपको क्राइटेरिया तय करना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि उस क्षेत्र के जो भी जिम्मेवार लोग होंगे वो वहां पर बल देंगे कि भाई चलो इस गांव को कोरोना मुक्त कैसे करें। बहुत कम से कम पेशेंट आए हैं, 10 दिन पहले पेशेंट आया था, उसके बाद नहीं आया, तो थोड़ी मेहनत करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपका पॉजिटिविटी वाला एरिया है वो छोटा होता जाएगा, तो आपको हैंडल करने में सुविधा रहेगी। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।